अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं जो आपको बनाने सिखाने जा रही हूँ रेमेडी, वो फिर मैं फेयर एंड लवली से ही सिखाने जा रही हूँ, बिकॉज आई बिलीव इन फेयर एंड लवली विद द बॉटम ऑफ माई हार्ट। मुझे फेयर एंड लवली बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी इससे फ़ायदे उठाएँ। ये फेयर एंड लवली का जो यूज़ है, अगर हम अपनी रूटीन की लाइफ में करते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से हमारी स्किन जो होती है वो चमक उठती है, तरोताज़ा रहती है। और इसमें कुछ चीज़ें मिला के, कुछ मिक्स करके हम और भी अच्छी सी रेमेडीज़ जो है वो बना सकते हैं। फेयर एंड लवली पाकिस्तान की सबसे अच्छी क्रीम है, मैं इसको ही रेकमेंड करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं जो है इससे जो है वो ब्लीच करने वाली हूँ स्किन को, थोड़ा सा फेयर एंड लवली लेके उसमें दो तीन जो है घरेलू चीज़ें मिलाकर और हम लोग जो है ना स्किन को ब्लीच करेंगे चेहरे पे। तो मैंने यहाँ पे एलोवेरा जेल ले लिया है, तकरीबन ये मेरे पास आधा चम्मच के करीब एलोवेरा है। ये फ्रेश है, इस वजह से थोड़ा सा ऐसा, मैंने इसको फ्रीज़र में रखा था लेकिन ये ऐसा ही रहे क्योंकि मुझे इसको ऐसे ही यूज़ करना है। और इसमें मैं अब मिला दूँगी नींबू, मेरे पास ये हाफ लेमन है, मैं इसको जो है इसमें स्क्वीज़ कर लूँगी। ये लेमन स्क्वीज़ कर लिया, इसके जो दाने हैं वो मैं निकाल रही हूँ, मैंने पहले निकालने थे लेकिन अब मैंने इसके दाने जो है वो निकाल लिए हैं। अब इसमें जो है मैं फेयर एंड लवली ऐड करूँगी, फेयर एंड लवली क्रीम जो है वो मैं इसमें ऐड करूँगी, तकरीबन इतनी, ये हाफ स्पून के करीब है। इसको जो है मैं इसमें अच्छे से मिक्स कर, मैं हाथ इस वजह से इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि मुझे चेहरे पर इस्तेमाल करना है। और इसको जो है बहुत अच्छे से मुझे जो है, और जो एलोवेरा है अगर वो आपसे नहीं हो रहा है तो वो वैसे ही रहने दें क्योंकि मुझे इसको स्किन पे ऐसे ही लगाना है। इस तरह का कुछ जेल नुमा कुछ बन जाएगा, ये देखिए इस तरह का कुछ बन जाएगा। ये अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है, ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह का कुछ हो जाएगा। अब मैं इसको चेहरे पे अप्लाई करके आपको दिखाऊंगी।